केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके संयोजक आइए दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। या बिल नहीं दे रहा हूं, कोई भी कारण एनआरडब्ल्यू का हो सकता है। तो जल बोर्ड का कहना है कि दिल्ली में लगभग 50% पानी एनआरडब्ल्यू है, और जल बोर्ड के कंसल्टेंट का कहना है कि इसका आधा हिस्सा लगभग यानी कि 25% पानी दिल्ली में लीक कर रहा है। तो अगर 840 मिलियन गैलन पर डे की पानी की अवेलेबिलिटी है तो कम से कम 210 मिलियन गैलन पानी पर डे दिल्ली में लीक कर रहा है। अगर इतना पानी दिल्ली की सड़कों के ऊपर आएगा रोज तो दिल्ली में तो बाढ़ आ जानी चाहिए, लेकिन हमें तो दिल्ली की सड़कों पर पानी दिखाई नहीं देता, तो फिर ये पानी कहां जाता है? तो कुछ सरकारी अफसरों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं जी सड़क पे नहीं आता, ये अंडरग्राउंड पानी की पाइपलाइन लीक करती है, ये अंडरग्राउंड जाता है। तो 210 मिलियन गैलन पानी अगर प्रतिदिन दिल्ली के अंडरग्राउंड जाएगा तो दिल्ली की वाटर टेबल राइज करनी चाहिए, वो भी नहीं राइज कर रही। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली का पानी जा कहां रहा है। और ये जो दिल्ली की सरकार ये पानी की फिगर्स 840 मिलियन गैलन पर डे 50% एनआरडब्ल्यू, कितनी सच्चाई है इन कागजों के अंदर, इन फिगर्स के अंदर, इसकी आज हम लोग बात करना चाहते हैं। 840 मिलियन गैलन पर डे पानी को अगर आप लगभग जनसंख्या से डिवाइड करें तो दिल्ली में 252 लीटर पर कैपिटा पर डे की पानी की अवेलेबिलिटी है। 252 लीटर बहुत पानी होता है, 252 लीटर। इंग्लैंड में 150 लीटर है पर डे की अवेलेबिलिटी, जर्मनी में 200 लीटर की है, डेनमार्क में 210 लीटर की है, दिल्ली में 250 लीटर की है। तो ये पानी जा कहां रहा है? हमारी टैप्स में तो आता नहीं, आधी से ज्यादा दिल्ली हम जगह जगह घूम रहे हैं आजकल, और टैंकर माफिया हर जगह टैंकर माफिया ही सुन रहे हैं, टैंकर से ही पानी मिल रहा है, नलों में पानी नहीं आ रहा। तो वो पानी जा कहां रहा है? अगर इंग्लैंड में 150 लीटर पर कैपिटा पर डे पे 24 घंटे उनके नल में पानी आ सकता है, तो दिल्ली में 250 लीटर पर कैपिटा पर डे से पानी नहीं आ रहा है, ये पानी जा कहां रहा है? इसके ऊपर आज हम बात करना चाहते हैं। सोनिया विहार को लेते हैं सबसे पहले, यहां से हमें क्लू मिलेगा कि ये पानी जा कहां रहा है, दिल्ली का पानी का हो क्या रहा है। सोनिया विहार एक फ्रेंच कंपनी ने, डेग्रेमोंट नाम की कंपनी ने बनाया था। सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, पानी की सफाई करने का प्लांट है। उस कंपनी ने 2006 में काम करना चालू किया इस प्लांट ने। यह प्लांट बड़ा मजेदार है, अगर इस प्लांट को सरकार मान लीजिए 90 मिलियन गैलन वाटर पर डे देती है तो कितना पानी ट्रीट होके वापस सफाई होके कितना निकलना चाहिए? नेचुरली उसका कम ही निकलना चाहिए, 88 लीटर, 88 एमजीडी, 85 एमजीडी, लेकिन यहां से 140 एमजीडी पानी बाहर निकलता है। इसमें 90 एमजीडी पानी डालो तो इसमें से 140 एमजीडी पानी बाहर निकलता है। ये सरकार के डेटा है, हमने आरटीआई से डेटा निकलवाया। एक तो आरटीआई हमने जल बोर्ड में, हमने नहीं, सिटीजन्स फॉर वाटर डेमोक्रेसी नाम की एक एनजीओ है, उन्होंने डाली। ये सारी कागज हमने इसके साथ एनेक्शन में लगाए हुए हैं। हमने उनसे पूछा भाई सोनिया विहार में कितना पानी रॉ वाटर देते और कितना पानी निकलता है, तो उन्होंने झूठा दिया। कॉलम ए और कॉलम सी है, कॉलम ए में आप देखोगे कि टेबल पेज नंबर 2 पे ये क्लेम करते हैं 129 एमजीडी पानी दिया, 127 बन गया, 134 दिया 133 बन गया, 132 दिया 130 बन गया, ये झूठी फिगर्स हैं। यहां पे इनको गंगा का पानी आता है सोनिया विहार में, तो जल बोर्ड से पूछा भाई गंगा का पानी आप उत्तर प्रदेश से लेते हो तो उत्तर प्रदेश को आपने कितने पानी की पेमेंट की, वहां से असलियत पता चलेगी, उन बिलों की कॉपी दो। तो जो जल बोर्ड के बिल आए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से वो चौंकाने वाले थे, वो सारे बिल्स की कॉपी हमने इसके अंदर लगाई है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर इन बिल्स की कॉपी है सारे। उन बिल के हिसाब से पता चला कि असलियत में इनको कितना पानी मिल रहा है, तो पता चला अगस्त 2009 में इनको 66 एमजीडी पानी दिया गया और ये कंपनी कहती है हमने 127 एमजीडी पानी सफाई करके दिया। ये तो चमत्कारिक प्लांट है जिसमें कम पानी डालो तो वो सफाई करके और ज्यादा पानी निकालता है। जून 2010 में 91 एमजीडी पानी दिया और 133 एमजीडी पानी बाहर निकला। जुलाई 2010 में 76 एमजीडी पानी दिया, 130 एमजीडी पानी बाहर निकला। नवंबर 2010 में 72 एमजीडी पानी दिया, 136 एमजीडी पानी बाहर निकला।
इसी तरह से ये सारे महीने ये सैंपल दिए हमने, लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस एक 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 फिगर की पीछे की सच्चाई जो है वो हमने एनेक्शर थ्री में इसके साथ लगाई, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 66 एमजीडी पानी दिया तो असली में तो कुछ 64-65 ही निकला होगा। ये झूठ बोल रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन की फिगर्स को सोनिया विहार प्लांट में इन्फ्लेट किया जा रहा है। तो मन में प्रश्न उठता है क्यों इन्फ्लेट किया जा रहा है, तो उसका एक छोटा सा कारण तो ये है कि ये इन्फ्लेट करके फर्जी खर्चे क्लेम कर रहे हैं भाई। 127 एमजीडी पानी की प्रोडक्शन क्लेम करेंगे तो उसमें खर्चे भी फर्जी लगा देते हैं, बिजली के खर्चे भी फर्जी लगा देते हैं, मजदूरी भी फर्जी लगा देते हैं, सारा कर लेते हैं। इनको पेनल्टी लगती, वो पेनल्टी से बच जाते हैं, इंसेंटिव, वो छोटी बात है। बड़ी बात जो है उसको हम समझने की कोशिश करें। जनवरी 2011 का एग्जांपल लेते हैं। जनवरी 2011 में 48 एमजीडी पानी इस प्लांट को दिया गया और इस प्लांट ने 137 एमजीडी की प्रोडक्शन दिखाई है, 90 एमजीडी पानी ज्यादा दिखाया इन्होंने। तो 48 एमजीडी पानी अगर इनको दिया तो प्रोडक्शन तो 47 ही हुई होगी, मान लेते हैं 47 हुई असली में, तो इसने 90 एमजीडी पानी ज्यादा दिखाया। तो इन्होंने, सरकार ने कहा कि हमने तो इस इलाके में 137 एमजीडी पानी भेजा था, बाकी का पानी लीक हो गया, 90 एमजीडी पानी लीक हो गया, क्योंकि बिल तो हमारे पास जो वहां से पेमेंट आई कंज्यूमर की पेमेंट तो 47 की आई है, बाकी पानी लीक हो गया, जनता ने पेमेंट नहीं की। तो एनआरडब्ल्यू सरकार ने कहा कि 65% एनआरडब्ल्यू है यहां पे, समझ रहे हैं आप लोग, सरकार ने कहा यहां पे 65% है। ये तो फर्जी है, आपने भेजा ही 47 लीटर पानी था, 47 एमजीडी पानी था, तो 47 की तो पेमेंट आनी थी, लेकिन आप जबरदस्ती क्लेम कर रहे हो कि 137 एमजीडी पानी भेजा था और 47 की पेमेंट आई है। तो आपने फर्जी पाइपलाइन लीक दिखा दी, फर्जी इसको ये दिखा दिया, एनआरडब्ल्यू दिखा दिया कि बिल नहीं दिए लोगों ने, जबकि लोग तो बिल दे रहे हैं। और उसके बेसिस पे मालवीय नगर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया गया 519 करोड़ रुपए का। ये 519 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इसका काम है कि 67% एनआरडब्ल्यू से कम करके 15% एनआरडब्ल्यू करना। अरे एनआरडब्ल्यू तो है ही नहीं वहां पे, वो तो फर्जी एनआरडब्ल्यू है। 65% आपने फर्जी एनआरडब्ल्यू बना रखा है और आप कहते हो वहां पे 67% एनआरडब्ल्यू है और इस कंपनी को हमने 519 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे दिया, उस कंपनी का काम है उसको 15% एनआरडब्ल्यू करना। पूरा का पूरा 519 करोड़ रुपए का फर्जी प्रोजेक्ट है, इसमें पाइपलाइन लीक कह रहे हैं, पाइपलाइन बदलेंगे, पाइपलाइन जरूरत है उसको बदलने की। हमने एक रिपोर्ट और लगाई है इसके आज एनेक्शर के अंदर जो कि जल बोर्ड की इंटरनल सर्वे दिखाता है कि पाइपलाइन कोई लीक नहीं कर रही, पाइपलाइन लीकेज प्रॉब्लम नहीं है, पानी नहीं है लीक पाइपलाइन के अंदर। तो पाइपलाइन बदलने से पाइपलाइन में पानी कहां से आ जाएगा, वो तो सोनिया विहार जब पानी प्रोड्यूस करेगा तभी तो आएगा असलियत में। इसका जनता पे क्या असर पड़ेगा? ये मालवीय नगर का जो प्रोजेक्ट है ये 32,000 कनेक्शन के लिए है। 519 करोड़ रुपए को अगर आप 32,000 से डिवाइड करें तो 1.6 लाख, 1.5 लाख रुपया प्रति उपभोक्ता सरकार फाइनेंशियल बर्डन डाल रही है इनके ऊपर। अल्टीमेटली जाएगा तो मेरी और आपकी जेब से, चाहे सरकार सब्सिडी दे, चाहे टैक्स ले, चाहे 1.5 लाख रुपया सरकार प्रति उपभोक्ता सरकार बर्डन डाल रही है। इसका केवल और केवल इंटरेस्ट बर्डन 10% के हिसाब से कैलकुलेट कर लें तो आपका बिल 1500 रुपए महीना इंटरेस्ट की वजह से बढ़ने वाला है। 519 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है। तो इसका अगर 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट लगाए तो आपका इंटरेस्ट फिर आने वाले कई सालों तक 1,500 रुपए प्रति महीना आपके पानी के बिल में केवल इंटरेस्ट बर्डन ये लग के आएगा। और ये मालवीय नगर प्रोजेक्ट जो है, ये सोनिया विहार प्लांट जो है वो सप्लाई करता है यहां पे पानी। सोनिया विहार में टोटल लगभग 3 लाख के करीब कनेक्शन है और मालवीय नगर 32,000 को केटर कर रहा है 10% एरिया को। इसी तरह के प्रोजेक्ट अब इस पूरे दिल्ली के अंदर सरकार लगाने जा रही है और ये भी प्रोजेक्ट डेग्रेमोंट को ही दे दिया। डेग्रेमोंट फ्रॉड कर रहा है और डेग्रेमोंट को ही पाइपलाइन बदलने के लिए दे दिया, डेग्रेमोंट को ही एनआरडब्ल्यू कम करने के लिए दे दिया। अगर इसी तरह के प्रोजेक्ट पूरे सोनिया विहार में लगाए गए तो 500 करोड़ तो 10% है, 5000 करोड़ रुपए का टोटल बेनिफिट डेग्रेमोंट को मिलने वाला है। 5000 करोड़ का टोटल बेनिफिट, $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है और यह बर्डन मेरे और आपके पानी के बिल में लग के आने वाला है। अब यहां से मुद्दा उठता है कि जैसे सोनिया विहार के अंदर फर्जी एनआरडब्ल्यू बना के, फर्जी प्रोजेक्ट बना के और इतने करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, क्या दिल्ली के अंदर भी ये रिपीट हो रहा है?
सरकार कहती है 840 एमजीडी पानी देते हैं, 50% पानी लीक हो जाता है। अगर 50% पानी लीक होता है तो दिल्ली में तो बाढ़ आनी चाहिए, दिल्ली में तो बाढ़ नहीं आ रही। तो क्या ये फर्जी फिगर्स बनाई जा रही हैं? क्या पूरी दिल्ली के अंदर फर्जी एनआरडब्ल्यू बनाया जा रहा है? क्या पूरी दिल्ली के अंदर फर्जी एनआरडब्ल्यू बना के और फर्जी प्रोजेक्ट बना के उसको कम करने का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है? क्योंकि 2005 के अंदर मेरे को याद है, तब भी हम पानी के ऊपर हम लोगों ने एक साल तक मुहिम चलाई थी। उस टाइम भी दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड कहते हैं, 2005 में भी 50% एनआरडब्ल्यू था, तब भी इतनी पानी लीक कर रहा था और आज भी 50% है। पिछले 7-8 सालों में सरकार ने हजारों करोड़ रुपया फूंक दिया एनआरडब्ल्यू कम करने के लिए, लेकिन एनआरडब्ल्यू तो कम ही नहीं हो रहा। तो ये एनआरडब्ल्यू फर्जी बना रखा है और इस फर्जी एनआरडब्ल्यू को क्लेम करके हजारों करोड़ रुपया स्वाहा कर रही है सरकार। एक नांगलोई के अंदर अभी एक वियोलिया करके एक और फ्रेंच कंपनी है, उस कंपनी को सरकार फ्री में पानी देगी, फ्री में बिजली देगी। उस कंपनी का काम है वाटर ट्रीटमेंट करना और उसके बिल इकट्ठे करना, ये दो काम है। लिया करके एक और फ्रेंच कंपनी है, उस कंपनी को सरकार फ्री में पानी देगी, फ्री में बिजली देगी। उस कंपनी का काम है वाटर ट्रीटमेंट करना और उसके बिल इकट्ठे करना, ये दो काम है। उसके लिए सरकार 14.99 रुपए प्रति किलोलीटर इस कंपनी को देगी। आज जल बोर्ड उसी काम को 2.90 रुपए प्रति किलोलीटर के हिसाब से कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट भी हमने लगाए हैं, अक्षर देख लीजिएगा। जो काम आज जल बोर्ड 2.90 रुपए प्रति किलोलीटर पे कर रहा है, वो उस काम के लिए 14.99 रुपए प्रति किलोलीटर दिए जा रहे हैं। तो हमारा केवल ये कहना है कि दिल्ली में पानी के बिल बढ़ने का एक ही कारण है, वो है भ्रष्टाचार। और आने वाले सालों के अंदर ये पानी के दाम इतने ज्यादा बढ़ने वाले हैं कि लोगों के लिए पानी पीना मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया भर की कहानी है। ये वियोलिया और डेग्रीमोंट वो कंपनियां हैं जिनको बाकी देशों से खदेड़ के बाहर भगाया गया था और अब ये यहां पे आकर ये कर रही हैं। इतना हमें कहना था। अगर आपके कोई प्रश्न है, हमारी मांग है इस पूरे के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, लेकिन फिर से मुद्दा उठता है कि जांच करेगा कौन, क्योंकि सारी एजेंसी तो इन्हीं के कंट्रोल में है। और दूसरी मांग है, इन्होंने एक कानून बनाया है अभी कि हर साल की 1 जनवरी को ऑटोमेटिक दिल्ली के सारे लोगों का पानी का बिल 10% बढ़ा दिया जाएगा। ऑटोमेटिक क्यों बढ़ाया जाए? हमारा कहना है कि वो कानून वापस लिया जाए। ये देखिए, बिजली और पानी दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज और पैरेलल्स हैं। बिजली का जो निजीकरण जो किया गया और रिलायंस वगैरह को बिजली की मोनोपोली दे दी गई, रिलायंस और टाटा को अलग अलग एरियाज में, वो ये कह के दिया गया कि बिजली में बहुत चोरी हो रही है, दिल्ली विद्युत बोर्ड बहुत भ्रष्ट हो गया है और इस वजह से ये अंबानी को या टाटा को ये सब बिजली देना जरूरी है क्योंकि ये लोग बड़ी एफिशिएंट कंपनियां हैं। लेकिन देखा क्या गया कि बिजली के दाम अंबानी और टाटा को देने के बाद और तेजी से बढ़ने लगे। पानी में भी बिल्कुल यही कह के इसको डेग्रेमोंट और निजी कंपनियों को दिया जा रहा है कि भाई बड़ा सारा पानी लीक होता है, बड़ा गवाया जाता है और इसलिए ये एफिशिएंट कंपनियां हैं, इनको दे दिया जाए। लेकिन जैसे हमने बिजली के क्षेत्र में देखा कि उससे ना तो भ्रष्टाचार कम हुआ, ना ही बिजली के रेट कम हुए, बिजली के रेट और तेजी से बढ़े, भ्रष्टाचार और तेजी से बढ़ा। ऐसे ही हम पानी में देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी और तेजी से बढ़ रहा है और पानी के रेट अभी भी बढ़ा दिए गए हैं और जैसे ही डेग्रेमोंट का या निजी कंपनियों का काम शुरू होगा और तेजी से रेट्स बढ़ेंगे। तो पानी और बिजली ऐसी चीज है जो कि हर एक आदमी की बिल्कुल ऐसी जरूरत है कि उसके बगैर वो लोग रह नहीं सकते और इस वजह से पानी और बिजली में भ्रष्टाचार करना और निजी कंपनियों को देकर दाम बढ़वाना सबसे आसान तरीका है क्योंकि लोगों के पास कोई चारा नहीं होता और इसी वजह से पानी और बिजली को सबसे पहले टारगेट किया जाता है।
तो हम लोगों की डिमांड तीन चार हैं। एक तो ये कि इस पर तुरंत एफआईआर दर्ज होके एक इसमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, ये सब जो भ्रष्टाचार जो हम लोगों ने उजागर किया है। दिल्ली जल बोर्ड की और दिल्ली के वाटर सप्लाई का कॉम्प्रिहेंसिव सीएजी का ऑडिट होना चाहिए। और इसका इलाज ये है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर पूरा प्रॉपर सिस्टम पारदर्शिता के और जवाबदेही के लाइए, लोकपाल बनाइए जिससे कि उसको ठीक किया जा सके। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप निजी कंपनियों को सौंप दीजिए जिसमें कि भ्रष्टाचार और बढ़ जाता है, जैसे हमने बिजली और पानी दोनों के क्षेत्र में देखा। अगर कोई प्रश्न है तो आप दूसरे राज्यों के कागज ला दीजिए, वो भी उठाएंगे। हमारे पास कागज ना, हमारे पास जहाँ के कागज आए हमने उठा दिया। इस तरह की खबरें आती रही है। हाँ, हम दिल्ली के चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए दिल्ली का मामला उठाया। अन्ना जी क्या कह रहे हैं उस पर? तो भैयू जी महाराज ने क्या कहा, क्यों कहा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, सरासर निराधार है। तो वो कह सकते हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता। अन्ना जी ने कहा क्या? अन्ना जी अगर कहेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी तो कोई भी कुछ भैयू जी महाराज की क्या इंटेंशन है मुझे नहीं पता, क्यों कह रहे हैं। मैंने तो ये भी नहीं सुना उन्होंने कहा भी कि नहीं कहा, मैंने तो सुना नहीं है। तो एक बार आप अन्ना जी से पूछ लीजिए उनको क्या कहना है इसके बारे में। मैंने तो कह दिया। ये बताइएगा, दिल्ली में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हजारों लाखों रुपए तक लोगों के बिल आए, इस तरह की भी बहुत बार शिकायतें आई। वो आखिर वो उस नेक्सस का क्या था? या तो वो हमेशा कहा जाता था क्लर्कल मिस्टेक हो जाती है। देखिए, दो तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है बिजली और पानी दोनों में। फ्रेंकली एक समस्या तो ये कि ऑफिशियली बिल बढ़ गए हैं, दाम बढ़ गए हैं बिजली के और पानी के। जैसे पानी का मैंने बताया कि 2004 में 74 रुपए महीना जिसका आता था, आज वो 1355 रुपए हो गया। उसी तरह से बिजली के दाम ऑफिशियली बढ़ गए। लेकिन दूसरी ज्यादा बड़ी समस्या है कि आ रही है कि लोगों के अनाप शनाप बेतुके बिना हिसाब किताब के बिल आ रहे हैं। जैसे नजफगढ़ में मैं गया तो एक बंदे ने बताया, जी हमारे घर तो पानी आता ही नहीं है बिल्कुल, और 15 साल का मेरा एक साथ बिल लग के 1.5 लाख रुपए का आ गया। तो वो फिर उसके बाद आप ठीक कराते घूमिए। बिजली के अंदर अगर आपके पास बिल आ गया तो वो कहते हैं ठीक बाद में करेंगे, पहले आप एडवांस पेमेंट कर दीजिए। तो उनके पास नहीं है। 1.5 लाख रुपए का एक झुग्गी वाले का बिल आया हुआ था, वो गलत है बिल। इतने दाम नहीं बढ़े, दाम बढ़े हैं लेकिन इतने भी नहीं बढ़े कि एक झुग्गी वाले का एक साल का 1.5 लाख का बिल आ जाए, लेकिन उसका गलत बिल आया था। और इस तरह के ढेरों लोगों के बिल आ रहे हैं। जब वो बिल देने में सक्षम होते हैं तो फिर उनकी एनफोर्समेंट पहुंच जाती है और उनकी बिजली काट के चली जाती है, और वो लोग बेचारे दुखी होते घूमते रहते हैं। क्या आप निजीकरण के खिलाफ हैं? अभी प्रशांत जी ने भी कहा कि निजी कंपनियों में भी करप्शन हुआ निजीकरण करने से। जो मोनोपोली सेक्टर है जहां पे कंपटीशन नहीं है, सर मेरे को जवाब तो दे देने। अन्ना की प्रतिक्रिया चाहिए। अन्ना ने खुद ये बात कही है शुरू में कि अरविंद अपने मार्ग से भटक गए हैं और काफी हद तक उन्होंने भटकाने की कोशिश करी पूरे आंदोलन। अब आपने क्या प्रतिक्रिया? मैंने सुना नहीं है, मैं अन्ना जी से बात करूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड का है, कोई बातें नहीं कही, ऑन रिकॉर्ड मैं सुनूंगा, सुन के बात करके बता दूंगा आपको। जी इसी पे एक चीज और, सुरेश पठारे से संबंध की बात यही थी। ये कहा गया था सुरेश पठारे की जो भूमिका थी उस समय आंदोलन समय वो काफी संदिग्ध थी। वो कहीं ना कहीं भैया जी महाराज से मिलने नहीं देना चाह रहे थे अन्ना जी से संपर्क करने के लिए। भैया जी को हमेशा रोका जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? सुरेश बताएंगे।
नहीं कहिए कि आप इस टीम में सही हैं। मैं क्या बताऊं उससे? सर एक रिएक्शन आपकी दोनों मैं उसका क्या बताऊं? आप राजनीतिक पार्टी कोई आरोप लग रहा है या तो आप कहिए कि मैंने बता तो दिया आप मना कर दीजिए ना, खारिज कर दीजिए कुछ भी। मैंने तो कहा भाई भैया जी महाराज क्या कह रहे हैं, मुझे तो नहीं बताया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आपने पानी के ऊपर प्रश्न दो कंपनियों का जून किया You see, about more than 6 months ago, we had held a press conference right here in which we had released a lot of documents regarding Abhishek Verma and his involvement as a middleman in a large number of corruption scams. That included this chopper scam of Agusta Westland. Unfortunately, though this information, we had released all those documents from his own partner Edmund Zallon, which showed that he was one of the middlemen involved. Unfortunately, none of this was taken up for investigation for obvious reasons, because Abhishek Verma happens to be politically very well connected. As those documents showed, he is involved in not just this Augusta Westland deal, also in the Scorpion submarine deal, where emails show that 4% commission had been paid, which means that 720 crores worth of commissions had been paid in that Scorpion deal. Unfortunately, no investigation worth anything was done by the CBI. And today that same CBI, in fact, we had gone to the High Court. It was on the pressure of the High Court that the CBI registered a PE. And they said that, well, we are not able to get any information to confirm these emails, etc. They didn't even bother to write to Google to find out whether these emails were authentic or not. And the same CBI is today being asked to do this investigation in this Agusta Westland deal. We have said so on so many occasions in this whole Lokpal debate, that how can you trust an agency which is controlled by the very people who've taken kickbacks, etc. And that is why the whole demand for an independent Lokpal arose, that we need to have a completely independent investigative agency. Regarding this, whether we will take it up, etc., as I said, our case regarding Scorpion submarines is already pending in the Delhi High Court. It's been pending now for more than 5 years. We filed this petition more than 5 years ago. Actually, courts today, people say, why don't we move the courts on all these things? The courts are also bogged down with all these cases. They are not able to move forward. And courts do not have any investigative agency of their own. Ultimately, they have to ask, even in the Scorpion, they asked the CBI to conduct some preliminary inquiry. They didn't even move beyond a preliminary inquiry, though in this case, emails were showing that 4% commission had been paid. But they didn't even file a regular FIR. We are not privy to the documents which show the role of Kanishk Singh, etc. I don't know about that, but this is a very serious matter which appears to lead right up to the top. And therefore this matter needs a thorough and independent investigation. Of course it is too little too late. I mean, we have already paid, according to the government, more than 30% of the value of these helicopters, which were itself highly inflated. Unfortunately, you see, in all these deals, because of these kickbacks, the prices of all this equipment has been highly inflated. A helicopter which the American government found too expensive, and we have bought it at an even more inflated price, only for VIPs,
I mean, what kind of a country, 3,600 crores we are spending on 12 helicopters just for VIP, ferrying VIPs, etc. These helicopters may run, may do 10, 12, 15, 20 flights in a year, and we are spending 3,600 crores for that. पता नहीं भैयू महाराज कौन है, क्या कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया तो मैं उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। अरविंद जी, अरविंद जी, क्या भैयू महाराज मध्यस्थ की तरह आप लोगों से संपर्क में थे? मेरे संपर्क में नहीं थे, मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे, मैं कभी नहीं मिला भैयू जी महाराज से। तो आप मिल रहे हैं, आप ही बता सकते हैं कि क्या है। आज हम पानी पानी के जवाब देने के लिए आए, पानी के मुद्दे पे जवाब देने के लिए आए। अभी हम लोग अगले डेढ़ महीने तक जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जाके जनता से बातचीत कर रहे हैं, और इसी डेढ़ महीने जो हम हर विधानसभा में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, इसी के अंदर से नया आंदोलन निकलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कैंपेन निकलेगा इसके बाद। वो क्या कैंपेन होगा इसका स्वरूप अभी देखते हैं। ये दो बिल्कुल दो कंपनियों की जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत से देशों में जो काम करती थी उनको वहां से हटाया गया, इन कंपनियों के बारे में आपने क्या क्या ये जैसे स्वरूप अभी देखते हैं। ये दो बिल्कुल दो कंपनियों की जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत से देशों में जो काम करती थी उनको वहां से हटाया गया, इन कंपनियों के बारे में आपने क्या क्या ये जैसे वेनेजुएला था, कोचाबाम्बा था, इन सारी कंपनियों का अगर आप देखें इंटरनेट के ऊपर जो मटेरियल है, जहां जहां इस किस्म का पानी का प्राइवेटाइजेशन किया गया, पानी का प्राइवेटाइजेशन, वहां वहां पानी के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि लोगों के लिए पानी खरीद पाना और पानी पी पाना लगभग मुश्किल हो गया। पानी के रायट्स हो गए वहां पे गलियों के अंदर, और उस वजह से इन कंपनियों को वहां से भगाया गया। सेम कंपनीज है, और ये कंपनीज बहुत जगह ब्लैकलिस्टेड है। अगर आप कहेंगे तो कल तक हम सारी लिस्ट बना के आपको दे देंगे। आज की हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आज की पीसी का मकसद ही ये था कि ये सारे कागज आपके सामने रखे जाएं। जल बोर्ड ने उस टाइम कहा था कि हमको पानी तो वहां से ज्यादा आता है लेकिन हम पेमेंट कम की करते हैं। ये आज हम पानी के बिल्स आपके सामने रख रहे हैं, जिसको जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबने साइन किया हुआ है। यूपी के पानी के बिल्स हैं जिसको जल बोर्ड के इंजीनियर ने साइन किया हुआ है। ये बिल्स, असली बिल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इस मतलब जल बोर्ड झूठ बोल रहा है कि पानी तो 90 एमजीडी की पेमेंट हम 90 एमजीडी करते हैं लेकिन 140 एमजीडी पानी आता है। जितना पानी आता है पेमेंट उसी की हो रही है। यूपी गवर्नमेंट भी कोई सोशल वो नहीं कर रही है, चैरिटी नहीं कर रही है दिल्ली वालों के लिए। थैंक यू सो मच।